सर्वेभ्यो नमो नमः। आज ये वीडियो टिरे मो ओडिया छात्र छात्री मानंग पई संस्कृत व्याकरण सुगम सुबोध्य करिया पई प्रयास करिछि। तेबे संस्कृत व्याकरण रो समासस्य सामान्यम परिचय इति विषय अद्य अहम पाठयिष्यामि। समासस्य सामान्य परिचय पढ़िया पूर्वर आमको केते गुड़िए बिंदु प्रति ध्यान देवा पड़ो। यथा समास, समास जो पदटी अच्छी तहार अर्थ कौन, ता क्यों लिंग अच्छी, तार विपत्ति कौन, तापरे आम देखिबा समासर प्रकार भेद, समास केते प्रकार एवं तापरे पर देखिबा समासर लक्षण कौन, समासर लक्षण सहित उदाहरण गुड़िक देखिबा एवं अंतिम आम देखिबा अति सहज भाव समास छह प्रकार समास को मन रखिया पाई गुटे साधारण प्रार्थना अति सरल प्रार्थना टी मन रखिबा जहाँकि आम समास को आजीवन पर्यंत मन रखिबा पाई कौन सी असुविधा हेबो नाही। तेबे आरंभ करिबा आरंभ करिया पूर्वरु प्रथम देखिबा समास, समास इति शब्द, समास इति शब्द सम उपसर्ग पूर्वक अहस धातु घए प्रत्यय निष्पन्नम भवति। अर्थात समासनम एकपति भवनम समासः, समासनम इत्युक्ते एकपदीकरणम वा संक्षेपीकरण। अर्थात समासः अर्थ हला एकपदीकरण वा संक्षेपीकरण को समास कहुए। तापर आम देखिबा समासनम एकपदी भवनम समासः, समस्यते अनेक पदम इति समासः। अर्थात ओडिया रे कहिया गले अनेक पद को एक पदरे प्रकाश करिबा बा निकटवर्ती परस्पर पद मानकर मिलन को समास कहुए। तेबे यार समास बुझिया को हेले केते गुड़िए पद जानिबा आवश्यक। यथा वृत्ति काहु कहा जाए, विग्रह वाक्य काहु कहा जाए, तापरे पूर्व पद काहु कहा जाए, उत्तर पद काहु कहा जाए, समस्त पद काहु कहा जाए। तेबे एही विषय रे आमे आलोचना करिबा यथा पद व्यवस्था। तेबे ए पद व्यवस्था पढ़िया पूर्व प्रथमे देखिबा समास बा वृत्ति काहु कहा जाए। तेबे समासर अन्य नाम पिले माने एठारे वृत्ति कहिले किछि अधिक विचार करिया आवश्यक नाही। समासर अन्य नाम ही वृत्ति। तेबे वृत्ति कहियाकु गले आमे बुझिबाकु हेबो जे अनेक पद को एक पदरे प्रकाश करिबा हेउछि वृत्ति। अनेक पद मिलित होई एक पदरे परिणत होई जाय थाए एहा कहा जाए वृत्ति बा समास। तेबे सेही परि विग्रह बा व्यासवाक्य कहु कहा जाए। जदि सेही पद मानंकु पृथक करि वाक्य रे दर्शाइबा, जदि सेही पद मानंकु वाक्य रे दर्शाइबा ता होछि विग्रह बा व्यासवाक्य बोली कहा जाए। बुझिपाल यथा आम अति सहजरे आउ टे बुझाक हेले उक्त उदाहरण प्रति टे ध्यान देवा पड़ो। तेब उदाहरण उदाहरण है देशस्य सेवक देश सेवक, देश सेवक देशस्य सेवक। तेब एठारे विग्रह वाक्य है देशस्य सेवक विग्रह वाक्य, विग्रह वाक्य है देशस्य सेवक हला विग्रह वाक्य एवं वृत्ति बा समास का कहिबा एटी हला देश सेवक वृत्ति बा समास पद। तेबे विग्रह बा समासर साधारण लक्षण संस्कृत रे कहैछि विग्रह वृत्त्यार्थ बोधकम वाक्यम विग्रहः, वृत्त्यार्थ बोधकम वृत्तिर अर्थबोधकम वाक्यम विग्रह। वृत्ति है समास,
तेरे समासर अर्थ को अवबोधन करुवा वाक्य को आम कौन कह विग्रह कह से समास वृत्ति का कह परार्थ विधानम वृत्ति ही जो पदटी निजर अर्थ परिवर्ते अन्यर अर्थ गुड़ी प्रकाश करुए अन्य पद गुड़िकर अर्थ को प्रकाश करुए कहवा वृत्ति बा समास कहुची परार्थ विधानम वृत्ति ही तापरे पिले माने हम देखिबा पूर्व पद आउ उत्तर पद पूर्व पद का कहिबा उत्तर पद का कहिबा एठारे उदाहरण देश से सेवक देश सेवक तेबे एठारे विग्रह वाक्य होउची देश से सेवक तेबे एही विग्रह वाक्य रही एही विग्रह वाक्य रही पूर्व पद एवं उत्तर पद थाए तेबे एठारे जो विग्रह वाक्य रही देश से सेवक एठारे पूर्व पद अर्थात बाम पार्श्वरे जो पद रही थाए होची पूर्व पद दक्षिण पार्श्वरे एवं उत्तर पदरे उत्तर पार्श्वरे जोटा रही थाए होची उत्तर पद तेबे देशस्य सेवक विग्रह रे पूर्व पद होची देशस्य विग्रह उत्तर पद होला सेवक पिला माने बुझी पारलो तेबे देशस्य सेवक विग्रह वाक्य रे पूर्व पद होला देशस्य उत्तर पद होला सेवक सेपरि जो प्रथम पदटी विग्रहर प्रथम पदटी जो पूर्व पद एवं ताहाठारु उत्तर को जिते गुड़े पद रही से सब हो उत्तर पद बोली कह जाए ते बुझिपारे पे पूर्व पद उत्तर पद तापर आम देखा वृत्ति बा समास केते प्रकार तेरे वृत्तय पंचवृत्तय सन्ति कौ कौ स्थल आम समास कर से गोटे सूत्र अच्छी कृतधित समासेक एक शेष सनंद्यात धातु पंचवृत्तय कृतधित समासेक शेष सनाद्यंत धातु रूपा पंचवृत्तय तेबे कृत प्रत्यय तधित प्रत्यय समास एक शेष सनाद्यात धातु यही प्रकार पांच प्रकार समास पद रही कृत कृत पद रही तद्धित पद रही समास पद रही एक शेष पद रही सनाद्यात धातु रही तेबे यही प्रकार पांच प्रकार पांच प्रकार वृत्ति बा समास पद आमको देखा मिले यथा प्रथम देखिया कृत कृत पद कुंभकार कुंभम करोति कुंभकार करोति कृत धातु सुप्तिगतम पदम कृत प्रत्यय रही कुंभम करोति क्रु धातु हाँ सेपरी तद्धित रे दशरथस्य पत्यम पुमा दशरथी तद्धित प्रत्यय सेपरी समास देशस्य सेवक देश सेवक पूर्व आम पढ़ीचे एक शेष माता च पिता च पितरु द्वंद्व समास पढ़ा आम आगे एठारे कौन माता च पिता च दुईट पद रोटे केवल पितार एक शेष रहा पितर हो गला सनंदात धातु गंतुम इच्छति जिगमी सती एठारे गंतुम इच्छति को एक पदरे प्रकाश कराला समास कराला जिगमी सती से प्रकार आम देखा पंचवृत्तय समास पांच प्रकार देखा कृत समास देखा तद्धित समास देखा समासर समास देखा एक शेषर समास देखा सनाद्यात धातुर समास देखा आम साधारण केवल जाणी जाणी कथा जे पंचवृत्तय सन्ति कृतधित समासै समासैक एक शेष सनाद्यात धातु रूपा पंचवृत्तय तार परवर्ती पिले माने पढ़ा समासर प्रकार भेद समास केते प्रकारर कौन कौन एवं यही समास प्रत्येक समासर उपभेद बा यही प्रत्येक समास को आउ केते प्रकार समासर विभक्त कराई से विषय जानिबा तेबे प्रथमे समास को दुई भाग विभक्त कराई पिले माने यथा प्रथम बा प्रथम समास केवल समास द्वितीय होची विशेष समास ते प्रथमे आम जानिबा समास दुई भाग विभक्त कराला गोटे केवल समास द्वितीय हैला विशेष समास केवल समास प्रयोग संस्कृत साहित्य रे खूब कम देखा जाए तेबे से विषय आम आलोचना करार विषय नुहे तेबे आमे केवल आलोचना करिवा विशेष समास
तेबे के ता पूर्वर केवल समासर अन्य नाम होचे सामान्य समास बा सुसुभा समास मध्ये कहा जाय। यार उदाहरण होचे पूर्वम भूतः भूतपूर्व, या बहुत विरल क्वचित व्यवहार करा जाय। तेबे आमर आलोचनार विषय होचे विशेष समास। तेबे ई विशेष समास केते प्रकारर एवं कोण कोण से विषय आमे आलोचना करिबा। तेबे साधारणत विशेष समासकु चारि भाग विभक्त कराइ जेबा चारि प्रकार, जथा अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तेबे एही चारि प्रकार समास समास तो चारि प्रकार पूर्णि मध्य आउ दुईटी समास रहिछि कर्मधारय द्विगु समास। एही कर्मधारय द्विगु समास तत्पुरुष समासर अंतर्भुक्त बा तत्पुरुष समासस्य उपभेद बोले कहा जाए। एतबे समास हेला केते प्रकार छ प्रकार। प्रथम हेला पूर्व देखते विशेष समास चारि भाग विभक्त करला। प्रथम होचे अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, पुणी तत्पुरुष समास को दुई भाग विभक्त करला, यथा कर्मधारय समास आउ द्विगु समास। तार आम देखिबा प्रत्येक समासर लक्षण कौन, तार उदाहरण कौन। हाँ तेब अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास आम क्या कह अव्ययभाव समास बोली केमी चिन्हा परीक्षा आमर पड़ विग्रह वाक्यम लिखत, समासस्य नाम लिखत। तेब अव्ययभाव समास है समस्त पद जार अव्यय हो नपुंसक लिखित। तेब समस्त पदटी जो समासर समस्त पदटी अव्यय हो नपुंसक लिखित ता हूँ अव्ययभाव समास। कहुची प्राय पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययभाव समास। पूर्व पदार्थ उदाहरण देख हरौ इति अधिहरी। तेरे हरौ इति अधिहरी जो उदाहरण रही हरौ है पूर्व पद, इति है उत्तर पद, आम आगु आलोचना करे। तेरे हरौ जो पूर्व पद रही समस्त पद है अधिहरी। तेरे हरौ इति विग्रह वाक्यर समास पद बा वृत्ति है अधिहरी। तेबे एठारे हरौ जो पूर्वपद अधिहरी रे हरीर हरौ रही प्राधान्यता रही तेणु एठारे कहला प्राय पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययभाव समास। सेपरि रूपस्य योग्यम अनुरूपम, रूपस्य हला पूर्वपद अनुरूपम रे रूपस्य रही प्राधान्यता रही समास हो जाइछि अनुरूपम। सेपरि रुचिम अनतिक्रम्य यथा रुचि, रुचिर कौन रहिला प्राधान्यता रहिला। एवं लक्ष्य कर अधि अनु जथा यही सब जो रही ये सब गोटे गोटे अव्यय बा उपपद। तेबे ये अव्ययभाव समासर प्रथम लक्षण जो कही समस्त पद गोटे अव्यय हो नपुंसकलिंग थी अधि अनुरूपम अधिहरी जथा रुचि। तेबे ये सब सब नपुंसकलिंग हो गला अव्यय पद हो गला। तेबे यार अव्यय का कह समानयसु त्रिशुलिंगेशु समस्तस्य विभक्तिषु समासं त्रिशुलिंगेशु समस्तस्य विभक्तिषु यन व्यतीत तदव्यय। अर्थात जो पदगुड़िक जेकोसी विभक्ति होना जेकोसी लिंग होना कहीं जहाँ परिवर्तन हुए ना कह जाए अव्यय पद। तेब जो अधिहरी अनुरूपम यथारुचि यार वाक्यर प्रयोग करने समय यह जेकोसी लिंग में कर्ता था बा कर्म था तेरे यार कौन प्रकार परिवर्तन होना। से देखा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास रे कौन है विभक्तिर लोप हो जाए। तथा आम देखा राज्ञ पुरुष राज्य पुरुष एठार राज्ञ षष्ठी एक वचन अच्छी कि समस्त पद हो राजपुरुष हो गला अर्थात षष्ठी विभक्तिर लोप हो गला राज्ञ पुरुष राजपुरुष। एवं पुणी कहु उत्तर पदार्थ प्रधान होची तत्पुरुष समास। तेरे राज्ञ पुरुष एठार उत्तर पद पूर्व पद है राज्ञ उत्तर पद है पुरुष तेरे राज समस्त पद है राजपुरुष पुरुष प्राधान्यता रही तेनालीराम उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष समास। नद्या जलम नदी जलम
एठारे मध्य जलम हूँ उत्तरपद नदी हा पूर्वपद तेरे जलम उत्तरपदर प्रधानतर नदी जलम है तेरे यह हूँ तत्पुरुष समास लक्षण एवं उदाहरण। तापर आम देखा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास रे आम विशेषतः देखा चकार बहुल चकार माता च पिता च कृष्णश्च अर्जुनश्च तेबे ए चकार बहुल द्वंद्व एवं प्राय उभय पदार्थ प्रधान माता च पिता च माता माता पितरु कृष्णश्च अर्जुनश्च कृष्ण अर्जुन तेबे एठारे एटी माता होची पूर्वपद पिता होची उत्तरपद कृष्ण द्वितीय उदाहरण कृष्ण होची पूर्वपद अर्जुन होची उत्तरपद तेबे एठारे उभय पदार्थर प्राधान्य परिलक्षित होची। तेबे द्वंद्व समास के पर चिन्हिबा जेउ सम विग्रह वाक्य रे च चकार आसुथिव चकार बहुल होउथिव एवं उभय पदर प्राधान्य रहउथिव से होची द्वंद्व समास। सेपरि आम परवर्ती चारि नंबर समास होची बहुव्रीही समास। बहुव्रीही समास ले माने देखियो जोठारे जस्य येन थिव से होची बहुव्रीही समास तथा नीलकंठ नीलह कंठ जस्य सह चक्रपाणी चक्रम पाणौ जस्य सह लंबोदर लंबम उदरम जस्य सह तेबे एही परि भावरे जो नीलकंठ जस्य सह नीलकंठ प्राय अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीही कहगला नीलकंठ नीलह कंठ जस्य सह नीलकंठ सह कह सह शिव से तेबे नीलकंठ एठारे निजर पदगुण बुझाई अन्य पद को बुझाऊँ तेबे शिव को बुझाऊँ तेबे यह हूँ बहुव्रीहर उदाहरण। से हीपरी चक्रम पाण जस्य सह चक्रपाणी अर्थात विष्णु को बुझाऊँ तेबे एठारे मध्य चक्रपाणी हूँ बहुव्री समास अंतर्भुक्त। से लंबम उदरम जस्य सह लंबोदर लंबोदर गणेश को बुझेला तेबे यह हूँ बहुव्री समास अंतर्गत। तेबे आम वर्तमान चारि प्रकार समास विषय जानले आउ रहा तत्पुरुष उपभेद कर्मधारय एवं दिगु समास विषय पढ़ा। पुनः तत्पुरुष समास अंतर्भुक्त कर्मधारय समास एवं दिगु समास कर्मधारय समास दिगु समास। तेबे कर्मधारय समास लक्षण कौन ले देखा यार विशेष विशेषण भाव थी उपमान उपमेयर उपमान आउ उपमेय संवाद थी यथा चंद्र एव मुखम तेबे यह उपमान उपमेय संवाद रहा नीलकमलम नीलम च तत्कमलम यह हूँ विशेष विशेषण भाव संबंध रहा तेरे जो विशेष विशेषण भाव संवाद थी उपमान उपमेय संवाद थी हाँ से कर्मधारय समास। तापर आम देखा दिगु समास। दिगु समास का कह संख्यावाचक दिगु अर्थात संख्यावाची जो विग्रह वाक्य संख्यावाची पद मानक संहार थी ताच दिगु समास। पंचवटी पंचानाम बटानाम समाहार पंचवटी नवरत्नम नवानाम रत्नानाम समाहार नवरात्रम नवानाम रात्रिनाम समाहार त्रिलोकी त्रयाणाम लोकानाम समाहार अर्थात पंचवटी पंच नवरत्नम नव नवरात्रम नव त्रिलोकी त्रयाणाम तेज एठार संख्यावाचक पद मान विग्रह संख्यावाचक पद द्वारा विग्रह करवाग्य समास बोली कहुए। तेबे यह तो आम पढ़ले आज आम छ प्रकार समास साधारण लक्षण एवं तार उदाहरण संपर्क रे तेबे यही छ प्रकार समास लक्षण को मन रखापी गोटे अति सरल श्लोकटे यार उपस्थापन कराई श्लोक आम मन रखिद तेज अचिरे छ प्रकार समास नाम मन रही लक्षण मन रही उदाहरण मन रही यथा पूर्वे अव्ययो वै भावमादौ तत्पुरुषः स्मृतः चकार बहुलो द्वंद्वः संख्या पूर्वो दिगु स्मृतः यस्य येन बहुव्रीही चचासौ कर्मधारयः इति किञ्चित् समासानां षणां लक्षणमिदितं। पूर्वे अव्ययो वै भाव आम्ले पूर्वपद प्राधान्य रहितिव अव्यय होइतिव तेबे होउछि अव्ययभाव समास। मादौ तत्पुरुषः स्मृतः आदौ परे आदि तत्पुरुष विषय में कहगला चकार बहुल द्वंद्व जो चकार थी द्वंद्व समास देखा संख्या पूर्व दिगु स्मृत संख्या जार पूर्वपद कौन हो संख्यावाचक होता दिगु समास अंतर्भुक्त
यस्य येन बहुव्रीहितुम् कहुथिले यस्य येन दार विग्रह क्रिया समरे यस्य येन र प्रयोग कराए ता बहुव्रीहि समासर अंतर्भुक्त। स चासौ कर्मधारे च असौ कर्मधारे असौ थिव एवं विशेष्य विशेषण भाव थिव उपमान उपमेयर संबंध थिव च चासौ यही सब पद थिव तेबे चासौ च बा असौ च असौ चासौ कर्मधारे समासर लक्षण। इति किंचित् समासानां समासमानकर षणां लक्षणं मिलितम्। छ प्रकार लक्षण विषय यही श्लोक में कहुता। अतः छ प्रकार समास को नहीं अति सहज मन रखापी गोटे प्रार्थना मध्य अच्छी प्रार्थना टी हूँ द्वंद्वोदिगुरपी चाहम मद्गेहे नित्य वैभाव तत्पुरुष कर्मधारयनाहम श्याम बहुव्रीहि द्वंद्वोदिगुरपी चाहम मद्गेहे नित्य वैभाव तत्पुरुष कर्मधारयनाहम श्याम बहुव्रीहि। अर्थात छ प्रकार समासर नाम को मन रखापी उक्त प्रार्थनाटी अत्यंत आवश्यक। तेबे लिमाने आज तो समासर सामान्य परिचय विषय पढ़िले तेबे आग को आउ नूतन नुआ नुआ वीडियो आनी मु उपस्थित होबी एवं समासर अवशिष्ट प्रसंग गुड़ी को आलोचना करी यथा अव्ययभाव समास तत्पुरुष समास बहुव्रीहि समास कर्मधारय समास दिगु समास द्वंद्व समास ए समस्त समास गुड़ी को पुंखानुपुंख भाव में विस्तृत भाव में आलोचना करवा। तेबे आजपाई एतिकी पुनर्मिलामः नमो नमः धन्यवाद।